इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें उम्र संबंधित दिक्कतों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आडवाणी को बुधवार रात 10 बजे एम्स के ओल्ड प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर की देखरेख में उनकी जांच हो रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये भी बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को इसी साल देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आडवाणी की तबीयत के मद्देनज़र राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे और इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च को उनके आवास पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी है, दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि हालत जो है अभी वो स्थिर बताई जा रही है। यूरोलॉजी विभाग की निगरानी में उनका इलाज जो है वो जारी है। तो लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां उनको हैं। हालांकि डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है और ये भी बताया गया है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है। दिल्ली के एम्स में उनको भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। यूरोलॉजी विभाग के निगरानी में उनका इलाज अभी जारी है।